नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं विरल सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसने यूपी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। प्रदेश के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई है। जेल के अंदर हुई हत्या ने सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सुबह करीब 6 बजे बागपत जेल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और प्रदेश के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जेल में ही बंद एक कुख्यात अपराधी सुनील राठी पर लगा, लेकिन जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। मुन्ना बजरंगी को रविवार की रात झांसी जेल से बागपत जेल लाया गया था, जहां सोमवार सुबह बसपा नेता लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के मामले में मुन्ना बजरंगी की कोर्ट में पेशी होनी थी। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी सुनील राठी और विक्की सुनहरा के साथ उसे अलग बैरक में रखा गया था, फिर भी हथियार कैसे पहुंचे और मुन्ना की हत्या ने कई सारे सवालिया निशान खड़े किए हैं। सुनील राठी नाम का एक बदमाश है जिसके बारे में बताया जा रहा है उसने हत्या करी है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। और जेल प्रशासन के जो आप लापरवाही की बात कर रहे हैं, इसमें प्रथम दृष्टया दोष पाए जाने पर जेलर, डिप्टी जेलर, हेड वार्डर, वार्डर, इनको निलंबित किया गया है। इसकी और तहकीकात करने के लिए पुलिस ने FIR तो दर्ज करी है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करी गई है। पंचनामा भरा गया है, पोस्टमार्टम उसका होगा, इसका वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद जो भी और किसी का दोष पाया जाएगा, तो अगर किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए तो वो भी लिया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन ने इस चूक के बाद जेलर समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है। CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस हत्याकांड पर कहा कि वो इसकी जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जेल के अंदर घटना गंभीर है, तात्कालिक रूप से जेलर को निलंबित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी होगा हम उस मामले में बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे और इस मामले में पहले ये सारे आदेश जारी हो चुके हैं। बागपत से विवेक कौशिक और मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, जैसे कि जेल में हथियार कैसे पहुंचा, हत्या के समय जेल के सिपाही कहां थे। इसके इतर भी कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सब पर बात करने से पहले आपको दिखाते हैं मुन्ना बजरंगी की पूरी कुंडली। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। उसका जन्म 1967 में यूपी के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना संजोए थे, लेकिन मुन्ना बजरंगी ने उनके अरमानों को कुचल दिया। उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। किशोरावस्था में मुन्ना ने जरायम की दुनिया में कदम रख दिया। मुन्ना बजरंगी वो शख्स था जिसे हथियार रखने का बड़ा शौक था और उसने बचपन से ही गैंगस्टर बनने का ख्वाब देख रखा था। यही वजह थी कि जौनपुर की सुरेही थाने में उसके खिलाफ महज 17 साल की उम्र में मारपीट और अवैध असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। अपने पहले मुकदमे के बाद मुन्ना ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। 80 के दशक में मुन्ना अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा था। इसी दौरान उसे जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का संरक्षण हासिल हो गया और 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने गजराज के इशारे पर ही जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दम दिखाया और फिर मुन्ना बजरंगी का नाम जिले में खौफ की तरह फैल गया। 80 के बाद 90 के दशक में मुन्ना बजरंगी बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। ये गैंग मऊ से संचालित हो रहा था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वांचल पर था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद मुख्तार गैंग की ताकत बढ़ गई और पूर्वांचल में शुरू हुआ गैंग वॉर। ठेकेदारी समेत कई मामलों पर गैंग की पकड़ थी, लेकिन इन सब के बाद भी मुख्तार अंसारी को गाजीपुर से उभरते BJP नेता कृष्णानंद राय से सीधी चुनौती मिलने लगी, क्योंकि कृष्णानंद राय के ऊपर डॉन ब्रिजेश सिंह का हाथ था। उसके संरक्षण में कृष्णानंद राय का गैंग फल फूल रहा था। इसी वजह से दोनों गैंग अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इनके संबंध
अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़ गए थे। कृष्णानंद राय का बढ़ता प्रभाव मुख्तार को रास नहीं आ रहा था। उन्होंने कृष्णानंद राय को खत्म करने की जिम्मेदारी मुन्ना बजरंगी को सौंप दी। मुख्तार अंसारी से फरमान मिल जाने के बाद मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को खत्म करने की साजिश रची और 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दी। उसने अपने साथियों के साथ लखनऊ हाईवे पर कृष्णानंद राय की दो गाड़ियों पर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद राय के अलावा उनके साथ चल रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। पोस्टमार्टम के दौरान हर मृतक के शरीर से 60 से 100 गोलियां तक बरामद हुई थी। इस हत्याकांड ने सूबे के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो मोस्ट वांटेड बन गया था। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। मुन्ना बजरंगी कृष्णानंद राय की हत्या के बाद आतंक का दूसरा पर्याय बन गया था। पूर्वांचल में लोग मुन्ना बजरंगी के नाम से कांपने लगे थे। ठेकेदारी, रंगदारी समेत कई मामलों में लोग मुन्ना का नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे, लेकिन पुलिस भी अब मुन्ना के पीछे पड़ चुकी थी। इससे घबराए मुन्ना ने मुंबई में पनाह ली। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार मुन्ना बजरंगी को तलाश कर रही थी। उसका यूपी और बिहार में रह पाना अब मुश्किल हो गया था। दिल्ली भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था, इसलिए मुन्ना भाग कर मुंबई चला गया। उसने एक लंबा अरसा वहीं गुजारा। इस दौरान उसका कई बार विदेश जाना भी होता रहा। उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते भी मजबूत होते जा रहे थे। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। माना जाता है कि मुन्ना को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उसने खुद एक योजना के तहत दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी कराई थी। मुन्ना की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन में मुंबई पुलिस को भी ऐन वक्त पर शामिल किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का हाथ होने का शक है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 2009 में गिरफ्तार होने के बाद से मुन्ना लगातार जेल में था और उसे अपने मारे जाने का डर भी सताने लगा था, क्योंकि जेल में होने के बाद भी मुन्ना बजरंगी काफी सक्रिय था। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने खुद 29 जून 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पति की जान को खतरा बताया। मुन्ना बजरंगी और उसके परिवार को ये आभास हो गया था कि उसकी हत्या हो सकती है, इसलिए 29 जून 2018 को मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम से गुहार लगाई थी और कहा था कि उनके पति की जान को खतरा है और फर्जी एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है। साथ ही सीमा ने यूपीएसटीएफ, पुलिस के अधिकारी और कुछ नेताओं पर षड्यंत्र रचने का सीधा सीधा आरोप लगाया था। लग क्या रहा है इस चीज के लिए मैंने 10 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में बिठाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है। साफ तौर पे कहा था कि शासन प्रशासन और कुछ लोग मिलकर, उच्च अधिकारी लोग सब मिलकर ये काम करने की फिराक में हैं और इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें बागपत लाया जाता है, जिस केस से उनका कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ बागपत की पुलिस भी मतलब कह रहे हैं कि उन्हें अंदर लेने की कोई ऐसी कागजी कार्रवाई ही नहीं हुई थी कि उन्हें यहाँ जेल में रखा जाता। उसके बावजूद भी उनको वहाँ से यहाँ लाया गया झांसी से, और ये प्री प्लानिंग थी शासन मिलकर। और धनंजय सिंह प्रदीप सिंह बनारस के रहने वाले, उनके पिता जयंत सिंह, इन लोगों का और सुशील सिंह, ये सब मिलकर ये काम किए हैं। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात उठाई थी तो ये चीज़ें मैंने रखी थी और मुख्यमंत्री जी से हमने ये कहा था कि हमारे पति की रक्षा के लिए कुछ करें, लेकिन क्योंकि सब शासन प्रशासन इसमें मिले हुए हैं तो कहां से उनकी रक्षा की जाएगी। वही मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद उसके गृह जनपद जौनपुर में भी हलचल मची हुई है। जौनपुर जिले के सुरेरी थाना अंतर्गत कसेरू पूरे दयाल गांव में मातमी सन्नाटा छाया है। घर पर ताला लगा हुआ है। परिवार के अधिकतर सदस्य जौनपुर रहते हैं, पत्नी लखनऊ में रहती है। वही मुन्ना बजरंगी की हत्या पर सपा से सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं में सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जेल में किसी की हत्या हो जाना सीधे सीधे कानून को चुनौती है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने आरोप लगाया था एसटीएफ पे कि वो हत्या करा सकती है, उसके बाद जेल में हत्या हो जाती है, जेल में पिस्टल आ जाती है, क्या नहीं, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। और ये बात तो हम समाजवादी लोग लगातार कहते रहे
कानून व्यवस्था के नाम पर इन्होंने लगातार निर्दोषों के साथ हजारों इनकाउंटर इस प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई जिनका माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ने सो मोटो लिया। ये लगातार अपनी विफल कानून व्यवस्था के लिए फेस सेविंग की नीयत से इनकाउंटर भी कर रहे हैं और इनकाउंटर के साथ साथ उसके बावजूद कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उस शख्स से मिलाते हैं जो कृष्णानंद राय हत्याकांड में अकेला बचा था और जिसे मुन्ना बजरंगी ने 18 गोलियां मारी थी। 6 अप्रैल 1997 का वो दिन जब यूपी के वाराणसी जिले में पहली बार किसी माफिया गिरोह द्वारा AK-47 की गोलियां बरसाई गई थी। हालांकि उस हत्याकांड में 4 लोग मौके पर मारे गए थे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत थी जो कि AK-47 की 18 गोली खाने के बाद भी आज भी जिंदा है। आइए उस शख्सियत से हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। आचार्य पंडित राजन त्रिवेदी, एडवोकेट। पंडित जी, उस समय की घटना की बात करें तो क्या हुआ था उनको? 6 अप्रैल 1997 समय लगभग रात्रि 9 बजे हम सब, हमारे साथी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एक दिन पहले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे पंडित राम प्रकाश पांडे, पूर्व अध्यक्ष सुनीला विद्यापीठ के भोनू मल्ला और मुन्ना राय, चारों लोग, हम सब 5 लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल चिकित्सालय में, वहाँ अपने एक साथी विधायक तत्कालीन सतप्रकाश सोनकर के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर लौट रहे थे, तो नरिया मोहल्ले में लंका थाने के जैन लाज के पास अचानक करीब 10 के संख्या में AK-47 लिए कुछ लोग कार में थे, कुछ मोटरसाइकिलों पर थे, अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली पीछे से सबसे पहले मुझे लगी पीठ में और तमाम लगभग 18 गोलियां मुझे सीने पर, पैर में, पीठ में पूरा, और मैं बुरी तरह घायल हो गया। और उसके बाद चारों और जो लोग थे, एक एक व्यक्ति को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 30-35 गोली इस तरह लगी थी, सब मौके पर 4 मार दिए गए। आज जबकि बागपत जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई है पंडित जी, और हालांकि उस FIR में मुन्ना बजरंगी का नाम नहीं था, लेकिन उनके गिरोह द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया था, तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं आज मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई जेल के अंदर? अब उनके गिरोह के जो लोग हैं उनके खिलाफ हमने गवाही दिया है और सबको आजीवन कारावास की सजा हुई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर वो सब जमानत पर, अपील पर बाहर हैं, जेल के बाहर हैं। बराबर हमें धमकी मिल रही है कि इलाहाबाद में पहुंचकर उच्च न्यायालय में आप केस को ख़त्म कराइए, अन्यथा आपके पूरे परिवार को घर में घुसकर मार दिया जाएगा। और मुझे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कि डबल बेंच ने, न्यायाधीशों की डबल बेंच ने मुझे आदेश किया था कि वी डायरेक्टेड टू SSP वाराणसी इमीडिएट प्रोवाइड गनर एंड गार्ड्स टिल फर्दर ऑर्डर, अग्रिम आदेश तक इनकी सुरक्षा व्यवस्था, कोई डेट नहीं थी, 4 गनर मिले थे, सब के सब हटा लिए गए और पूरी तरह से मेरे और मेरे परिवार को हत्या की आशंका है और धमकी दे रहे हैं बराबर। आज जबकि मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई, तो इस हत्याकांड को आप किस तरह से देखते हैं जबकि आपके ऊपर भी हमला हुआ था? हमारे ऊपर हमला हुआ था, छोड़ नहीं दिया गया था मुझे। बाबा काल भैरव के दरबार मेरा घर है, भगवान महामृत्युंजय हैं, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा रहता है और ईश्वरीय मार से ज़्यादातर लोग उस घटना में जो शामिल थे ईश्वर ने उनको दंडित कर दिया है चारों तरफ से। और हम उन पर क्या प्रतिक्रिया दें, लेकिन मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि कम से कम एक गवाह जो आपका है जिसकी गवाही पर आजीवन कारावास की सजा हुई है, और 9-9 लोग जो मारे गए थे, 2-2 घटनाएं हुई, दूसरी घटना का जिक्र भी आप सुन लीजिए, इसी से रिलेटेड है, उनके उनके भाई की भी हत्या कर दी गई मलदैया पर 2001 में। तो ये थे आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी जी जो कि उस घटना में घायल हुए थे, महीनों इलाज के बाद आज सकुशल अपने घर में खड़े हैं। लेकिन इनको एक बात का ये भी डर है कि अभी तक उस हत्याकांड में जो भी मुलजिम थे उस मुन्ना बजरंगी गिरोह के, आज भी वो खुलेआम इनको धमकी दे रहे हैं। विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी TV, वाराणसी। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुन्ना बजरंगी ने जिस कृष्णानंद राय की हत्या की थी उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें अब न्याय मिला है, तो कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने BJP को घेरा है। जी, हम भी तो TV के द्वारा ही मालूम हुआ कि मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हो गई है, तो उसी के माध्यम से हमको जानकारी हुई है, इससे कोई बात हमें जानकारी।
कैसा लगा पहली बार आप अगर सुनी तो विधायक जी की हत्या में इनका नाम था, तो देखने के बाद फिर आपने क्या कोई किसी से? जी मुझे बहुत मैंने खुशी हुआ, क्योंकि मैं तो हमारा परिवार चाहे हम लोग इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का अपराधियों का जो व्यवहार है जो काम करते हैं अपराधी, वो हमारा परिवार इस तरह का नहीं है। इसलिए मैं भगवान से रोज़ मनाती थी कि भगवान इसका न्याय मिलना चाहिए, और भगवान की मर्जी से प्रभु की कृपा से हम लोग को ये घटना हुई तो हमको काफ़ी खुशी मिला। यादव का बयान आया है, ठीक है, तो मैं ये बयान है कि सरकार इसका जवाब दे कि जेल में कैसे हत्या होगी। सरकार का जवाब जांच के बाद ही दिया जाएगा, बिना जांच के जवाब देना हो सपा की तरह तो दे दिया जाएगा। सरकार ने टीम गठित की है, जांच में जो आएगा वो जवाब मिलेगा। दरअसल कानून का डर नहीं रहा, कानून का इकबाल नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये एहसास दिलाया गया कि तुम जब कमज़ोरों को मारोगे, अकलियत के लोगों को मारोगे, हमारे जैसे लोगों के कमज़ोर लोगों को मारोगे तो तुम्हें उसका इनाम मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, मंत्री लोग तुम्हारे गलों में हार फूल डालेंगे, तुम्हें हो सकता है भारत रत्न भी मिले, इसके लिए पैसा मिलेगा, मुकदमा लड़ाने वाले मिलेंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा कि भारत सरकार के मंत्री दंगाइयों के गलों में हार फूल डालेंगे। तो ये समझ लिया गया कि कानून को अपने हिसाब से हाथ में लेकर फैसला करना ही कानून हो गया, लिहाजा ये उसी लॉलेसनेस का एनार्की का हिस्सा है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कानून का नहीं एनार्की का राज है। जेल में हत्या पर तो लोग सवाल पूछेंगे ही, क्योंकि जब सरकार अपराध मुक्त प्रदेश की बात करती हो और अपराधी सीधे सीधे जेल में हत्या कर दे तो सरकार के दावों की पोल खुलनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल के अंदर हथियार कहाँ और कैसे पहुँचा, साथ ही हत्या के दौरान सुनील ने 10 गोलियां चलाई तो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, किसी ने उसे पकड़ा क्यों नहीं, ऐसे तमाम सवाल कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। हम इन सब हत्याकांड से जुड़ी दूसरी चीज़ों को आपके सामने लाएंगे, तब तक देखते रहिए पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश।